हेलो गाइस, कैसे हो। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, मैं जब रीजनल ऑफिस गया था तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर गया था और मेरा कैसे हुआ और आप सभी लोगों का कैसे होगा, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। और बात करेंगे कि मेरा आधार ड्यू लिमिट क्रॉस कैसे अपडेट हुआ और आप लोगों का कैसे हुआ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस बने रहे वीडियो में एंड तक। देखिए गाइस, क्या होता है ना कि जब आधार ड्यू लिमिट क्रॉस अपडेट कराने जाते हैं तो गाइस वहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है, कैसे होता है, और आप लोग अपडेट कराते हो फिर भी अपडेट नहीं होता है, मैं शुरू से लेकर अंत तक बताऊँगा। तो सबसे पहले मेरा नाम डाल लीजिए शायद, और आप देख रहे हो शायद एक्टर फन। अगर न चैनल पर नया आए हो तो पहली बार आए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के प्रेस कर देना, ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और चलिए गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जब मैं रीजनल ऑफिस गया था तो मैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर गया था मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस देखिए, मैं ये मार्कशीट ले गया था 10 का, देख लीजिए गाइस, 10 का मार्कशीट ले गया था। गाइस ये मार्कशीट तो जो अपडेट है ऑपरेटर जो रीजनल ऑफिस में अपडेट करते हैं। गाइस एक बात और है कि जब मैं रीजनल ऑफिस अपने लखनऊ गया ना, गाइस जब मैं अपने लखनऊ रीजनल ऑफिस गया तो जो ऑपरेटर था ना वो मेरा मतलब मार्कशीट नहीं लिया। गाइस ऐसे जान लीजिए कि लखनऊ में कहाँ अपडेट होता है तो रीजनल ऑफिस में अपडेट नहीं होता है। गाइस वो मतलब आपका जो अपडेट होता है ना वो रतन स्क्वायर फीट में होता है अपडेट। तो गाइस आपको जान लेना है कि रतन स्क्वायर में जाना है, ठीक ना गाइस, रीजनल ऑफिस में नहीं जाना है। बाद में बताऊँगा रीजनल ऑफिस कब जाना है और क्या करना है, पहले जान लीजिए गाइस। चलिए, तो गाइस मैं मार्कशीट ले गया था तो जो ऑपरेटर था वो मार्कशीट मेरा लिया नहीं, ठीक ना गाइस। हाँ, लेकिन एक बात और है, अब आधार कार्ड ड्यू लिमिट क्रॉस अपडेट कराने से पहले गाइस वहाँ पे जाने के बाद रीजनल ऑफिस में बुक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। घर से बुक अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है, वहाँ जाने के बाद बुक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो तो पूछते हैं कि सर भाई क्या मैं रीजनल ऑफिस जा कर बुक अपॉइंटमेंट लूँ या घर से ले लूँ। नहीं गाइस, रीजनल ऑफिस जाकर ही बुक अपॉइंटमेंट लेने का है, घर से नहीं लेने का है, ठीक ना गाइस, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो मैं बुक वहाँ पर जाकर बुक अपॉइंटमेंट लिया। फिर जब अंदर गया तो ऑपरेटर मेरा नाम बोला शायद, तो मैं गया। तो गाइस देखिए, ऑपरेटर ने मेरा मार्कशीट, मैं बोला सर मार्कशीट से अपडेट कर दो, बोला कि नहीं 10 का मार्कशीट नहीं लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट है तो दो नहीं तो जाओ। तो मैं बोला कि नहीं, मैं बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके गया था गाइस, देखो ये जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, देखो गाइस QR कोड है। तो गाइस मैं उसको लेके गया था वहाँ पे और आधार ड्यू लिमिट क्रॉस अपडेट कराया, ठीक है ना गाइस। हाँ, लेकिन गाइस एक और बात है, आप लोग का जो आधार ड्यू लिमिट क्रॉस रिजेक्ट हो जाता है वो बहुत एक कारण है, क्यों रिजेक्ट होता है, क्या कारण है कि तुम लोगों का आधार ड्यू लिमिट क्रॉस रिजेक्ट हो जाता है। तो गाइस देखिए, वो है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में ये दिखाता है, देखिए गाइस ये सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म है, एक दिखाता हूँ तुमको कितना मेरे से गलत हो गया था। तो गाइस सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म को सही सही भरना होता है, एक भी गलती एक भी मिस्टेक नहीं चलेगा। देखिए गाइस, अभी देखिए सेकेंड, देखिए सेकेंड सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म है, देखिए गाइस तीन हो गया, तीन सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म मेरे से भरने में गलती हो गया गाइस। देखिए इसलिए बोल रहा हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में कट पिट एकदम नहीं होना चाहिए। तीन सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म देख लीजिए गाइस, तीन सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में मिस्टेक हो गया तीन। तो गाइस देखिए, इतना डॉक्यूमेंट ले गया था और आधार कार्ड भी लगेगा आपका गाइस, ठीक ना। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में कोई गलती मत करना गाइस, अगर गलती है तो दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म ले लेना, अन्यथा तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा और अपडेट नहीं होगा, दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक ना गाइस। हाँ, मैं फिर गया दोबारा सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म रहते हैं स्कूल के बाहर लेने, तो दलाल लोग बैठे रहते हैं गाइस, उन्होंने मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरा और 200 रुपया ले लिया गाइस, ठीक ना। मैं एक पिछला वीडियो भी बनाया था गाइस, इससे पहले भी बताया था कि दलाल लोग मेरा 200 रुपया ले लिया गाइस, ठीक ना। मैं जब रीजनल ऑफिस गया, जब सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म वो लोग लिए तो 200 रुपया ले लिए। और गाइस देखिए, और जो लोग अपडेट करा बोलते हैं कि तुम बाहर रहो मैं अपडेट करा दूंगा, तो गाइस आपको वहाँ जाने से मतलब ही क्या है, जब वही लोग खुद ही अपडेट करा देंगे तो आपको वहाँ रीजनल ऑफिस लाइक कर सकते हो। रतन स्क्वायर जाने से मतलब क्या है, कहीं से किसी भी राज्य से हो आपको रीजनल ऑफिस जाने से क्या मतलब है, जब आपको दलाल से ही अपडेट कराना है। तो गाइस बने रहे वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, उसमें आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कैसे आधार ड्यू लिमिट क्रॉस अपडेट कराया जाता है। तो गाइस देखिए,
जब मैं ऑपरेटर से अपडेट कराया ना, तो जो ऑपरेटर था तो मैं उससे पूछा कि सर कुछ मतलब रिजेक्ट रिजेक्ट तो नहीं होगा, तो ऑपरेटर बोला नहीं देखो रिजेक्ट तो होगा, जब आधार ड्यू बिट क्रॉस अपडेट कराओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन 20 से 90 दिन पहले रिजेक्ट होगा, फिर 20 से 90 दिन के अंदर में अपडेट हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। ठीक है ना गाइस, और मैं बताऊंगा मेरा कितना दिन हुआ, बने रहो वीडियो में, देखिए गाइस 20 से 90 दिन के अंदर में कभी भी अपडेट हो सकता है, पहले रिजेक्ट होगा फिर अपडेट होगा। तो फिर मैं गाइस आया घर पर ये सब कुछ कर, और मैं फिर उसके बाद कहीं कॉल लगाया नहीं, फिर मतलब 30 दिन 1 महीना बीत गया गाइस ना, तो फिर मैं रिजनल मेल 1947 पे कॉल लगाया और वहाँ पे थोड़ा कुछ मतलब नंबर नंबर कंप्लेन दर्ज कराया, तो फिर उसके बाद रेजोल्यूशन नंबर, पहले देखिए गाइस कॉल लगाओगे तो आपको कंप्लेन नंबर दर्ज इनरोलमेंट नंबर जो होता है ना स्लिप अपडेट स्लिप वो बताओगे, तो उस पर का वो नंबर बताओगे 1947 वाले को, तो तुमको एक कंप्लेन नंबर दर्ज करेंगे। फिर दोबारा कॉल लगाओगे अगले दिन कंप्लेन नंबर के साथ ना, तो तुमको एक रेजोल्यूशन नंबर मिलेगा, फिर उसके साथ अपना अपना आईडी ट्रैक अपना मतलब ट्रैक कर सकते हो कि मेरा अपडेट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो गाइस मेरे को रेजोल्यूशन नंबर तो मिल गया था, लेकिन मैं ट्रैक नहीं किया, मैं पहले गया आईयूआईडी की वेबसाइट पे, वहाँ से अपना हिस्ट्री चेक कर लिया, तो गाइस फाइनली मेरा अपडेट हो चुका था। और गाइस देखिए आधार कार्ड जब ड्यू लिमिट क्रॉस आप लोग अपडेट कराते हैं उससे पहले भी एक मैसेज आता है योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अपडेट, लेकिन गाइस वो एक बग होता है, आपका ड्यू भी आधार लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं होता, वो एक बग होता है। ठीक है ना गाइस, आपका आधार कार्ड तभी अपडेट होगा, जाओ हिस्ट्री चेक करो, अगर उसमें अगर आपका आधार अपडेट हो गया है कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ या नेम कुछ भी अगर अपडेट हो चुका है तो लाइक वो समझो अपडेट हो चुका है। ठीक है ना गाइस, उससे पहले जो मैसेज आता है उससे अपडेट नहीं होता, एक बग होता है, वो अगर पहली बार कराओगे फर्स्ट बार तो वो तब भी अपडेट उसमें मैसेज आता है तो अपडेट हो जाता है, लेकिन लिमिट क्रॉस में आपको हिस्ट्री चेक करोगे गाइस तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ मतलब अपडेट हुआ है कि नहीं। ठीक है ना गाइस, और देखिए गाइस जब आप रीजनल ऑफिस जाओगे ना तो एक गलती मत करना, तुम्हारा इसीलिए अपडेट नहीं होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म, मैं आपके सामने भी बताया 3-3 सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म को मैं चेंज कर लिया हूँ, इसमें कुछ गलती नहीं है, देखिए गाइस इसमें 2 ही लेटर गलती है, इसको मैं चेंज कर दिया, मतलब कह सकते हैं कि 3-3 मैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म चेंज कर दिया, और मार्कशीट लगेगा नहीं, और बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा बनवा लेना गाइस, और लोग बोलते हैं कि मेरा पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट है क्या दोबारा बनेगा, उसको रिजेक्ट कराना पड़ेगा, तो गाइस जो भी है रिजेक्ट करा लेना। और बहुत लोग बोलेंगे CSC सेंटर जाना पड़ेगा क्या, देखिए गाइस CSC सेंटर जाओगे ना तो वो लोग अपडेट करेंगे, अरे मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, मेन देखिए बर्थ सर्टिफिकेट ही गाइस, बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म को अच्छे से भरने का है, और उसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं लिमिट को अपडेट कराने में, इधर उधर मतलब भागने से कुछ नहीं है, मैं भी भागा था। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट में भी नगर पालिका से बनवाया था गाइस, ठीक ना, नगर पालिका ब्लॉक लेवल से बनवा लेने का बर्थ सर्टिफिकेट। गाइस देखिए मेरे को कब पता चला कि मेरा आधार ड्यू भी लिमिट क्रॉस है, मेरे को भी नहीं मालूम है ना आपको भी मालूम है कि आधार ड्यू भी लिमिट क्रॉस है, तो सबसे गलती थोड़ी कोई जानबूझ की गलती थोड़ी ना करता है कि आधार ड्यू भी लिमिट क्रॉस है। तो गाइस देखिए मतलब मैं अपडेट कराया था, कुछ काम था तो मैं अपडेट करा दिया था आधार का, ठीक ना गाइस, तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ नियम लग जाएगा, फिर मैं गया बैंक में अपडेट कराया तो हुआ नहीं, दूसरी बार कराया गाइस तो हुआ नहीं, फिर बाद में पता चला कि मेरा आधार ड्यू भी लिमिट क्रॉस हो चुका है, तो फिर मैं इधर उधर दौड़ा, फिर कोई बोला कि 7,000 दो, 8,000 दो, कोई बोला है 10,000 दो, मतलब मैं परेशान हो गया इधर उधर दौड़ा, तो फिर मैं नगर पालिका संपर्क किया तो वहाँ से एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, लेकिन मेरा एक बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी था तो उन्होंने मेरा कैंसिल करवाया और बनवाया सेकेंड वाला बर्थ सर्टिफिकेट, फिर वो मैं बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गया अपने रीजनल ऑफिस, फिर वहाँ जाके बुक अपॉइंटमेंट लिया, बुक अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरा, उसके बाद फिर मैं अंदर गया, उसने नाम बोला फिर अपडेट किया तो घर में आ गया, तो उसके बाद फिर मैं कुछ वेट कर, मतलब जल्दबाजी नहीं है कि देखिए आज जैसे ही आप अपडेट करा के आओगे ना तो आपका वो क्या बोलते हैं रिजेक्ट का मैसेज आ जाएगा, तो आप लोग घबरा जाते हो कि मेरा रिजेक्ट हो गया मेरा अपडेट नहीं हुआ, बहुत लोग बोलेंगे मेरा 90 दिन हो गया अपडेट नहीं हुआ, यही कारण है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म को आप लोग मिस्टेक कर जाते हो। गाइस देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म ही बहुत मेन है, इसमें एक शब्द भी मतलब कटपिट नहीं होना। हाँ गाइस एक बात और, अगर आपका 18 से एज कम है तो आपको पिता का साइन करना पड़ेगा, अपने पिताजी को ले जाना नहीं है रीजनल ऑफिस, खुद से साइन करना पड़ेगा,
वैसे एक और बात है कि आप तुम लोग घर बैठे ही आधार डिबिट क्रॉस अपडेट करा सकते हो सिर्फ और सिर्फ मेल कर कर, ठीक ना गाइस। पहले क्या होता था कि कुछ मतलब वो था नहीं, तो सब रीजनल ऑफिस विजिट करते थे, जैसे मैं गया रीजनल ऑफिस, लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेल करके सिर्फ अपडेट करा सकते हो। मेल करा के मेल में जाने का अपना जो भी बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म आधार कार्ड अपडेट स्लिप उसको अटैच करने का, फिर सब्जेक्ट में जाके लिखने का आधार ड्यू लिमिट क्रॉस, फिर उसके बाद अपना अपना जो अलग अलग राज्य के अलग अलग जो है ना रीजनल ऑफिस का मेल आईडी उस पर सेंड कर देने का। तो गाइस आपका एक दो दिन के अंदर में रिप्लाई आ जाएगा, ठीक ना गाइस, और आपका बहुत ही आसानी से आधार ड्यू लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा गाइस। पहले क्या आता था 20 से 90 दिन के अंदर में अपडेट होता था, अभी 1 से 90 दिन के अंदर में अपडेट होगा, मतलब लाइक आपका 1, 2 या 3 दिन में भी हो सकता है, ठीक है ना गाइस। मेरा एक सब्सक्राइबर था, वो आगे कमेंट बोला भाई मेरा 3 दिन हो गया, मेरे को भी पता नहीं कि ऐसा 3 दिन में कैसे हो जाता है। लाइक कह सकते हो जब हम लोग जाते हैं नॉर्मली बैंक में अपडेट कराने, वहाँ 3 दिन नहीं मतलब 7 दिन लग जाते हैं, 1 हफ्ता लग जाता है गाइस अपडेट कराने, लेकिन 3 दिन 2 दिन तो लगता ही नहीं है। लेकिन अभी नहीं, ड्यू लिमिट क्रॉस आपका बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। अगर आपका कोई फॉर्म वगैरह भरना है, अगर आपका PF अटक रहा है, नौकरी वोकरी की तैयारी देखना है, तो आपका 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता के अंदर भी ड्यू लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा, और आप लोग अपना नौकरी आसानी से कर सकते हो गाइस, ठीक ना। और PF जिसका अटक रहा है वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक ना। तो जाओ जल्दी से रीजनल ऑफिस विजिट करो, अपडेट कराओ, इधर उधर वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। और 1947 पे कॉल कब लगाना, जब तुम्हारा 40 से 50 दिन वेट करने के बाद, यानी कि आए रीजनल ऑफिस से अपडेट कराए फिर उसके बाद कॉल लगा दिया, ऐसा नहीं है गाइस, तुरंत कॉल नहीं लगाने का, वो तो रिजल्ट का मैसेज आएगा ही, ठीक ना गाइस। तो चलिए वीडियो में अगर थोड़ा सा भी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिएगा, ताकि ऐसी मतलब जो भी अपने दोस्तों में शेयर कर दिया, ताकि वो लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और वो लोग का अगर गलती फिर ना हो पाए, ठीक है ना गाइस। तो ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा शेयर करो गाइस और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।